वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ GTA 5। खतरनाक तरीके से एक और न्यू खतरनाक मिशन होने वाला। फाइनली लेस्टर से मीट हो चुके हैं। वो तो मिल चुके हैं यार, लेस्टर से मिले कैसे, बात आती है ये। तो पिछली बार आपने एपिसोड में देखा होगा, हमारे लफड़ा हो गया था, वाइफ का चक्कर वक्कर चल रहा था, उसके चक्कर में हमने घर गिरा दिया था, उसके बॉडी गार्ड आके भाई मतलब की हालत खराब हो गई थी भाई। तो लेस्टर से मिलना ही पड़ा क्योंकि ये बहुत तगड़ा वाला हैकर है भाई, इसके पास बहुत ज्यादा काम है भाई। गैंगस्टर्स के लिए तो भाई अच्छा खासा काम है और भाई ये बहुत काम देता बंदों को। तो फाइनली हम भी काम के लिए ही आए इसके पास, तो काम देखते हैं भाई क्या देता है हमें खतरनाक तरीके से, और भाई क्या काम करना होगा इसके लिए। तो मैं तो सोच रहा हूँ भाई, मेरे तो भाई इससे पहले कहते हैं उस बंदे को भाई किल करना, बोलते भाई खत्म करना है, जेन नॉरिस जो भी इसका नाम है भाई खतरनाक तरीके से उसको पेलना है। तो इसकी दुश्मनी उससे भी है, एक बंदे से जिसका नाम है जेन नॉरिस, उसी का भाई खतरनाक तरीके से। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वही बंदा होगा कम्प्लीट, मतलब की ऐसे पक्का पता नहीं है, लेकिन जो इसका मैंने घर तोड़ा जो वाइफ का एक्स था उसका ही भाई जेन नॉरिस नाम है शायद। ये भी उसको जानता है, मैं भी उसको जानता हूँ, मेरा भी उससे लफड़ा है, इसका भी उससे लफड़ा है। तो हमने एक दिमाग लगाया इसने भाई साहब खतरनाक तरीके से, ट्रेवर ने, कि खतरनाक तरीके से उसके एंड्रॉइड फोन के अंदर कुछ रखना है जिससे उसको बहुत ही तगड़ा वाला सबक सीखेगा और वो जिंदगी में कभी नहीं बोल पाएगा खतरनाक तरीके से। अब तुम सोच सकते हो क्या होगा वो, मुझे पता है थंबनेल से आपने बहुत जल्दी यकीन चेक कर लिया होगा, पता चल ही गया होगा एक्स वाई जेड जो भी है। ओके, लेकिन जो देखने मजा, ओके क्या होगा इस बैग के अंदर खतरनाक तरीके से, क्या लगता है तुम्हें हमें लेस्टर ने क्या दिया होगा कि भाई उसको, लेस्टर ही नाम है ना इसका, मैं कंप्लीट पक्का पता नहीं यार, कमेंट में बता देना, मुझे तो लगता है लेस्टर ही नाम है इसका। ओके, तो खतरनाक तरीके से माइकल को इसने एक बैग दिया और काम करने के लिए दिया कि जाना आपको उसकी कंपनी में, वहां जाके और खतरनाक तरीके से उसका ये काम कंप्लीट करना, आपको ये सेट करना। और भाई सब माइकल इससे बात कर रहा खतरनाक तरीके से, लेस्टर काफी ज्यादा तगड़ा भाई। ओके, इसकी एक टांग में प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता ये लड़ाई में फाइट में हुई है या कैसे भी हुई है। ओके, तो इंटरेस्टिंग मिशन होने वाला, तो चलते हैं भाई। इसने बैग पकड़ा दिया और एक कार दे दी है, जाओ यार तुम्हें कार दिए, कपड़े वपड़े पहन के जाना अच्छे खासे, जो भाई एकदम प्रोफेशनल, मतलब कि आम बंदे लगो तुम भाई, बिल्कुल बेगर ना लगो, भिखारी ना लगो, ना गैंगस्टर लगो, तो बिल्कुल आम बंदे लगना चाहिए खतरनाक तरीके से। लेस्टर की कार है ये खतरनाक वाली। ओके, तो खतरनाक तरीके से मैंने सोचा यार लेस्टर की कार है, लेकिन ये तो किसी और की कार निकली भाई खतरनाक तरीके से। मतलब कि लेस्टर शुरू में ही चोरी करना सिखा दिया, वाह भाई वाह, शुरू बात में ही चोरी करना सिखा दिया लेस्टर ने खतरनाक तरीके से। मैंने सोचा वो अपनी गाड़ी देगा, लेकिन उसने कहा था बाहर काली की गाड़ी खड़ी है, जाके उसे लो और भाई अपने काम को अंजाम दो। मैंने वही सोचा कि भाई इतना खतरनाक काम, और भाई साहब लेस्टर अपनी कार दे रहा है, उसके नंबर की कार जो पुलिस उसे पकड़ लेगी आसानी से। मैंने कहा भाई इतना तगड़ा हैकर भाई ये चीज कैसे कर सकता है, लेकिन भाई पता चला कि भाई ये किसी और की कार थी और चोरी करने की थी। ओके, कोई बात नहीं भाई, लेस्टर ऐसे ही हैकर नहीं बना, बहुत ज्यादा तगड़ा वाला दिमाग है उसके। ओके, तो हमें जाना है जे नॉरिस की कंपनी में खतरनाक तरीके से, जो बंदा है खतरनाक तरीके से, जिसकी भाई गड़बड़बाजी है हमारी भी और भाई उसकी भी, लेस्टर की भी, जिससे बनती नहीं है बिल्कुल भी खतरनाक तरीके से। ओके, तो उसके साथ करना क्या, उसकी कंपनी में जाके जो उसको बैग दिया ना हमें, तो उससे ही भाई काम को अंजाम देना, और भाई पूरा का पूरा खतरनाक वाला एक टेररिस्ट का सीन आने वाला। अब तुम टेररिस्ट के नाम से समझ ही गए होगे कि क्या होने वाला, नहीं समझे, अरे भाई साहब समझ जाओ, चिंता नहीं करने का, पहले चलते हैं अपनी लोकेशन पे आराम से भे। ओके भाई भाई, इसमें एक खासियत क्या है GTA 5 में, कभी भी आप रोड के फुटपाथ के पास चार गाड़ी चला रहे हो ना फुटपाथ के, ओके खतरनाक तरीके से वहाँ के जो बंदे होते हैं चलते हुए, भाई आपके उधर नहीं कूदेंगे, सीधी गाड़ी के सामने कूदेंगे। ओके, तो पहले हमें कपड़े वपड़े चेंज कर लेने, काफ़ी अच्छे कपड़े पहनने, तो उसके बाद ही थोड़ा बहुत लुक अच्छा लगेगा, तो भाई इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्टेड बोले तो भाई लगेगा बंदों को भाई खतरनाक तरीके से, ये कुछ काम का बंदा है, ये काम के लिए ही आया, ऐसे नंगे पुंगे जाएंगे ना तो भाई लात मार के भगा देंगे हमें। ओके, तो कुछ जैकेट वैकेट डाल लेते हैं भाई, शॉर्ट तो बढ़िया हमारी नीचे देख सकते हो। ओके, खास यही सही है भाई, सही नहीं ये वाली भाई साहब। ओके, तो चलते हैं भाई, यही ठीक है भाई नॉर्मल, मतलब ऊपर के लिए कपड़ा चाहिए था, कुछ भी पहन लो। ओके, तो मुझे ये ठीक लगा, तो मैंने सोचा यही सही पहन लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो चलते हैं भाई, ओके अपनी फाइनल लोकेशन पे, जहाँ जाके हमें काम को अंजाम देना। ओके, तो समझ रहे हो, तो यहीं से बच्चे कट कर सकते हैं आगे को, मुझे पता है, क्योंकि भाई ये मिशन जो होने वाला है 18 प्लस मिशन होने वाला है, कुछ जो फोटोग्राफ्स और कुछ चीज़ें जो आपको देखने को मिलने वाली है वो 18 प्लस देखने को मिलने वाली है। तो आप जो भी बच्चे हो भाई 18 प्लस से नीचे, तो उस वीडियो को भाई साहब 2 मिनट से आगे की कट कर सकते हो खतरनाक तरीके से, जो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपके मम्मी पापा आपको डांटेंगे नहीं, अगर आप पास बैठे हो माँ बाप उनके, तो आप उनको 2 मिनट की कट करवा सकते हो आगे को। ओके, मुझे पता है GTA 5 ज़्यादातर बच्चे देखते नहीं है, शॉर्ट्स ही देखते हैं या वही
डॉल वॉल की गुड़िया उड़िया या भूत की कहानी, हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भूत की कहानी देखते हैं, एक चुड़ैल आई थी, ये वो एक्स वाई जेड, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। लेकिन मैं सोचता हूँ ना, पहले हम भी छोटे थे ना, डोरेमोन या भाई बहुत सारी चीज़ें कार्टून जो थे अलग अलग देखते थे। ओके, आ चुके हैं लाइफ इन्वेडर, जो भी एक्स वाई जेड इसका नाम। ओके, तो शॉर्ट में हम लाइफ ही कह देंगे इसे खतरनाक तरीके से। ये जो बंदा है ना ग्रीन कलर टी शर्ट वाला, ये हमें अंदर ले जाएगा एक्सिस पॉइंट तक खतरनाक तरीके से, ये हमारी हेल्प करने वाला है। बोले तो एक बार कि ये वर्कर है इधर का भाई खतरनाक तरीके से, इससे बोले तो ये एक इंटरनेट कैफे कह सकते हो उसकी तरह है। कोई भी बंदा आएगा, इंटरनेट गेम खेलेगा, ये करेगा वो करेगा, तो देख सकते हो भाई काफी बंदे गेम भी खेल रहे हैं यहाँ भाई, इंटरनेट कैफे कह सकते हो इसको भाई, है कह नहीं सकते भाई, है ही इंटरनेट कैफे। ओके, तो फाइनली हम इंटरनेट कैफे में आ चुके हैं, जिसका नाम इंटरनेट कैफे नहीं रखा इन्होंने, लाइव और कुछ लिख रखा है। ओके, तो देख सकते हो मैंने कहा था कुछ 18 प्लस वाले पोस्टर आ जाएंगे, ये आ ही गए, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। ओके, कैंसिल कैंसिल, भाई कितने वायरस भरे पड़े हैं भाई, बेरोने की पोस्टर आए जाने, क्या लफड़ा भाई, ये भाई ये बहुत तगड़ा वाला बंदा है भाई, पूरे दिन भाई यही देखता रहता दिखे भाई। ओके, फाइल कन्वर्ट हो रही है हमारी खतरनाक तरीके से, ये हम थोड़ा इसे भाई धोखा दे रहे हैं खतरनाक तरीके से कि हमें इधर काम है। लेकिन जिस इस कंपनी का मालिक जो है ना, जो जे नॉरिस कुछ ऐसा ही नाम है उसका, कमेंट में बता देना आप मैं गलत बोल रहा हूँ तो भाई खतरनाक तरीके से, जे नॉरिस जो है ना उसको भाई सा उसे सबक सिखाना है, ऐसा सबक सिखा। अरे भाई ये क्या, अबे भाई ये क्या था, अबे भाई ये कौन बंदा खतरनाक तरीके से। ओके, मैंने स्टोरी कट कर दी है। ओके, अपने जाना है उसके रूम में, मैनेजर जो है जे नॉरिस उसके रूम में जाना है, आ चुके हैं फाइनली, और अपने काम को अंजाम देना है खतरनाक तरीके से। ओके, तो मैंने काम को कंप्लीट कर दिया, मैंने कट क्यों किया है भाई खतरनाक तरीके से स्टोरी को, क्योंकि आपको पता ना चले, लेकिन पता चलेगा कब, लास्ट मोमेंट पर, जब वो काम को अंजाम दिया जाएगा खतरनाक तरीके से। आप अब भी सोच रहे होगे भाई किया क्या है तूने भाई खतरनाक तरीके से इंटरनेट कैफे में आके, जो इसका मालिक है ना, इसका नहीं बहुत सारे कैफे का मालिक है वो जे नॉरिस, तो अपने प्रमोशन के लिए भाई खतरनाक तरीके से एक भाषण में जाने वाला, बोले सॉरी स्पीच में जाने वाला, यार मैं क्या बात करता हूँ, एक फंक्शन है उसमें जाने वाला है, वहाँ स्पीच देने वाला है। ओके, अब समझ में आ गया होगा, मैं कभी कभी भाई सब बातों को घुमा देता हूँ, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया होगा, स्पीच देने वाला है वहाँ जाके, जो हम उसे किल करने वाले हैं, हाँ भाई बता ही देता हूँ यार, उसे ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन कैसे ख़त्म करने वाले, ना तो उसे गोली मारेंगे, ना उसे हाथ लगाएंगे, ना उसे कुछ करेंगे, ना उसके भाई सब कुछ नहीं करेंगे, वो अपने आप को खुद मारेगा। कैसे मारेगा तुम देखते रहना, और कोई केस भी नहीं बनेगा, सच में यार कोई केस भी नहीं बनेगा, ये चोरी वोरी का केस तो आराम से बन ही जाता है भाई। लड़की डर गई भाई, उसने कुछ कहा नहीं भाई, ऐसे उंगली करी भाई निकल बाहर, तो भाई निकल गई भाई साहब, फट गई उसकी बंदगी। ओके, कोई बात नहीं भाई, माइकल है भाई गैंगस्टर तकड़ा वाला बनने वाला, और पुलिस भाई साहब सच में हालत खराब होने वाली है आगे आने वाले मिशन में। तो फाइनली अपने काम कंप्लीट कर दिया, आप चलते हैं अपने घर। ओके, लेस्टर से बात हो चुकी है, बोलते खतरनाक तरीके से, जो भी एक्स वाई जेड उसने जो काम कहा था हमें, और जिससे पैसे मिलने वाले हैं हमारे, उसका भी फायदा हमारा ही फायदा, तो वो कंप्लीट हो चुका है, और हमने अपनी जो वाइफ थी गर्लफ्रेंड थी जो भी एक्स वाई जेड चेंज कर दी, और भाई साहब न्यू गर्लफ्रेंड लेके आ चुका है भाई, माइकल है भाई, ये किसी को भी पटा लेता दो मिनट में। ओके, तो चलते हैं भाई टीवी पे, देखते हैं कहाँ स्पीच हो रही है। ओके, ये देख सकते हो ये रही। ओके, तो फाइनली अबे भाई बॉक्सिंग बॉक्सिंग क्या देख रही है, ये रहा भाई जे नॉरिस, यही है भाई साहब। ओके, यही था भाई इंटरनेट कैफे का ओनर, देख सकते हो भाई पीछे उसका नाम भी लिख रहा है खतरनाक तरीके से। ओके, तो यही है भाई जिसको हमें मारना था, लेकिन अब सोच रहे होगे ये मरेगा कैसे, इतनी सारी पब्लिक, इतनी सारी सिक्योरिटी, लेकिन इसे मारेंगे कैसे, और भाई कौन जाएगा स्नाइपर, भाई तुम्हारा भाई माइकल इधर बैठा, स्नाइपर की औकात नहीं है अभी, हमारे इतने पैसा है नहीं कि स्नाइपर लेके हम इसे पेल पाएं, तो कैसे मारेंगे, कहाँ से मारेंगे, तो भाई समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहा, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, अरे मैंने कुछ ऐसा किया है, ये खुद ब खुद मर जाएगा अपने ही हाथों से। अब तुम सोच रहे होगे अपने हाथों से, खुद अपने हाथों से, कोई आदमी इतना अमीर आदमी खुद को गोली क्यों मारेगा, गोली नहीं मारने वाला है, अरे हिला दिया ना, नहीं मारने वाला, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देख के आप भी शॉक हो जाओगे कि भाई तूने ये किया कैसे, ये मैंने नहीं किया, ये दोनों का काम है, हमारा लेस्टर का और माइकल का, दोनों का ही मिलजुल के काम है, जो ये अपनी चीज़ की प्रमोशन के लिए आया, कुछ चीज़ के लिए, उसी चीज़ से मरने वाला खतरनाक तरीके से, नहीं 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 उससे भी नहीं मरने वाला। अबे तुम सोच रहे होगे साले पागल क्यों बना रहा है, साफ साफ बताना क्या होने वाला है, तो अब बता देता हूँ मैं क्या होने वाला है। अब जो इसको एक कॉल आएगी और ये अपना फ़ोन उठाएगा,
और उसके बाद होगा क्या देखते हो। तो इसने अपना फोन भी उठा लिया, अब मैं करता हूँ इसे कॉल, ये करी इसको कॉल और कॉल एक पिक करने वाला। ओके फाइनली कॉल पहुंची, इसने पिक करी और बूम ओपी भाई। इसे कहते हैं भाई प्लेन, ये है लेस्टर हमारा खतरनाक तरीके से। इसे भाई कहते ना भाई हैकर का दिमाग हैकर होता है भाई, ये खतरनाक वाला जो प्लेन था ना भाई खतरनाक तरीके से, ये लेस्टर का था जिसे हमने अंजाम दिया और हमारा भी काम हो गया, ये भी खत्म हो गया भाई खतरनाक तरीके से, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो आज का मिशन कंप्लीट खतरनाक तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हो तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।